बात कर रहे हैं अभी ग्रेडियंट क्रिएट करने की, इस पोर्शन पे ये पोर्शन जीरो है, ये हंड्रेड है, ठीक है। तो पहले हम डिसाइड करेंगे कहाँ पे कौन सा कलर है, उसके बाद कलर बनाएंगे। कलर बनाना अपना सबसे लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो मैं इस वाली सीडी को ले रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग अब मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको सपोज ये वाले कलर्स बनाने हैं, तो अब इन कलर में आप देखो कोई ना कोई आप पॉइंट ऐसा रखोगे जो जीरो भी होगा हंड्रेड भी होगा, है ना, सेम रखने के लिए। सपोज मैंने माना कि ये जो पॉइंट है ये वाला, ये जीरो भी है और ये हंड्रेड भी, ठीक है। तो दोनों जगह सेम कलर होंगे, ये वाला, ये जो रेड कलर है ये जीरो पे भी जाएगा, ये हंड्रेड पे भी जाएगा। इसके जस्ट सामने कौन सा पॉइंट होगा, 50 होगा, तो हमने बोल दिया 50। अब आप देख रहे हो कि ये वाला हाफ और ये वाला हाफ सेम है कलर्स में, तो अब एक हाफ को भूल जाओ, अब इधर आ जाओ जीरो से 50 पे, कि अगर आप जीरो से 50 आपने बना लिया तो 50 से 100 आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो अब जीरो से 50 बनाने के लिए, जीरो से 50 वाला कलर बनाने के लिए, कि ये कलर है ये ग्रेडियंट बनाना है इसका, यहाँ से कलर पिक करने हैं, तो इसमें भी जब हम देख रहे हैं तो ये हो गया 25 पॉइंट, ये जीरो है, ये 50 है, ये अगेन 100 हो गया, तो ये पॉइंट हो गया 25, ठीक है। 25 तो अब 25 टू 50 और 25 टू जीरो सेम पैटर्न है, हाफ और हाफ सेम कलर है। तो हम और अब इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो यहाँ आप अपने को कलर देखने हैं कि जीरो पे आ गया सेम कलर ये वाला, 25 पे ये वाला कलर रहेगा। अब इसके बीच में इक्वली 1 और 2, ये दो पॉइंट बनाने मेरे को, ठीक है। अब ये बताओ जीरो और ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये 25 है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो सबको इक्वली करना है, इक्वली करना, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना बराबर, ये देखो बराबर, ये बराबर, हाँ बताओ, हाँ 25 को डिवाइड कर दूसरे से और फिर उसी लोकेशन पे डाल देंगे कलर। नहीं नहीं ये बताना है, करना नहीं है, ये आप लोगों को करना है, मेरे को पॉइंट बता दो आप फाइनल। ये 4 कलर्स होंगे ना, रेड भी तो देना है अपन को मैडम, एक कलर ये आ गया, एक कलर ये आ गया, जब ये फेड होगा ग्रेड होगा तो ये ऐसा दिखेगा अपने को, यहाँ पे ये जीरो हो गया, ये कितना है और ये कितना है, 8 समथिंग आना चाहिए, मतलब 9। अच्छा ये हो गया, चलो 8 पॉइंट समथिंग, और ये फिर ये इस मतलब बराबर ही होगा ना, 8 प्लस कैसे होगा, इसकी लोकेशन 8 होगी क्या, फिर 25 कितनी, हां 25 माइनस, आप 25 माइनस 8 कर लेते हैं ना, देखो सपोज 17 आना चाहिए, ठीक है, पूरा राउंड फिगर चलता है, तो 0, 8, 16, 25। अब 25 पे हो गया व्हाइट कलर जो यहाँ अपने को दे रखा है, ठीक है, और 16 पे ऑरेंज कलर हो गया, 8 पे रेड कलर हो गया, और इस पे मैरून टाइप का कलर हो गया जीरो पे, ठीक है। अब देखो अगर आपने इतने इतने पॉइंट पे कलर बना लिए, तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ जो हमारा ग्रेडियंट बार होगा बहुत ऊपर चले गए, ग्रेडियंट बार में हमने बोला कि जीरो पे हमने एक कलर डाला, हंड्रेड पे कलर डालना है, ठीक है। जीरो पे हमने मैरून डाल दिया, हंड्रेड पे हमने मैरून डाल दिया, सेम कलर आ गया, और 50 पे मैरून डाल दिया, विच इज दिस, जो हो गया ये और ये आ गया, ठीक है, ठीक है। फिर इनका 50 ये आ गया 25, ये हो गया 75, ठीक है, इधर आ गया व्हाइट कलर, इधर आ गया व्हाइट कलर, डन। ये होने के बाद में अब आ जाओ ये अंदर 25 के अंदर में, कि आपने 8 और 16, 8 पे डाला है आपने रेड कलर, 16 डाला ऑरेंज कलर, ठीक है। तो 25 16 के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 25 प्लस होगा कितना है, 9 का, 35 plus 9, 34 पे अगेन आ जाएगा ऑरेंज कलर। हाँ आगे मैडम समझे, हाँ। अब ऑरेंज और रेड के बीच में डिफरेंस है 8 का, तो 34 plus 8, 42 रेड, यहाँ आ गया रेड, ये आपने 0 से 50 तक कंप्लीट कर लिया। अब इधर आ जाओ, अब इसको नहीं देखना, डायरेक्ट कलर बनाओगे आप,
कि 50 और 42 के बीच में जो डिफरेंस है वो आ गया यहाँ पे, ये आ गया 58, ठीक है, और यहाँ भी आ गया रेड कलर। फिर 42 और 34 के बीच में डिफरेंस है वो यहाँ आ जाएगा, कितना हुआ 9 का डिफरेंस दिया था आपने, तो 58 प्लस 9 हो गया। फिर 34 तक आ गए हम, 34 और फिर ये 75 आ गया, 5 का है, हाँ। है ना, फिर इसके पीछे अब ये 16, ये 9 हो गया, तो ये हो गया 84, और 84 हाँ। के बाद ये 8 हो गया, ये हो गया 92, तो यहाँ पे ऑरेंज और यहाँ पे ये बन गया कलर। हाँ। बना के भी दिखाऊं पूरा 100 तक करना पड़ेगा ना? हाँ अभी हमने बोला था ना कि आप 0 से 50 ही देख रहे हो। मैंने तो पूरा कर लिया ना अब तो, ये तो हमने यहाँ देखा था बस, यही तो रिपीट हो रहा है यहाँ पे पूरा, ये हमने रिपीट कर दिया बन गया। चलो अब हमने अगर इतना कर दिया ना, हम कलर बनाते भी हैं। देखो ये लोकेशन है 0 0 पे रखना है अपने को ये वाला कलर, और इसको मैंने यहाँ से कॉपी भी कर लिया, ओके कर दिया, इस जगह पे गए 100 पे, इसको हमने पेस्ट कर दिया और ओके कर दिया, डन। और 50 पे भी कर देते हैं, यस कर देते हैं मैडम। ये लो, ये क्या लोकेशन है इसकी, 50, ये डाल दी हमने 50, सेम कलर इस पे भी अप्लाई हो गया, हम एक बार पेस्ट भी कर दे, चलो सेम है कलर, ठीक है। 25 पे प्लस है, यहाँ आए 25 वाइट, ठीक है। अब इसके बाद में 8 और 16 पे लेना है, यहाँ आते हैं, सॉरी ये 16 है और ये 8 है, 8 पे चलना है रेड, चलो यही फेड ऐसा ले लेते हैं, और इसको हमने कॉपी भी कर लिया है एक बार, चलो कॉपी तो कर ली, इस पे रहेगा ऑरेंज, आप पिक कर लो, ये ऑरेंज आ गया, ठीक है, ये हो गया 0 to 25। अब 25 के बाद में हमने देखा 34 आ रहा है, तो आप तो यहाँ क्लिक करो और यहाँ वैल्यू डाल दो 34, जो भी है उस पर डाल दो 34। 34 पे कलर है ऑरेंज, हमने लास्ट कॉपी किया था तो ऑलरेडी ऑरेंज उस पर आ गया, आगे ऑटोमेटिक। फिर है 42 क्लिक किया हमने, ये 42 आया, 42 पे है रेड, ये लिया रेड, यहाँ से कॉपी, ओके क्लिक क्लिक पेस्ट, ओके डन, ये 0 to 50 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ। अब आते हैं 50 के बाद में आता है 58, ये आ गया 58, 58 पे रेड है तो आ गया। फिर आ जाओ 66 पे, ये हो गया 66, इस पे ऑरेंज कलर, ये हमने कॉपी किया और ये ऑरेंज कलर ले लिया, ठीक है। 66 के बाद में 75 वाइट कलर, ऑरेंज का कोड अपने को पता नहीं है, ये हमने लिया कॉपी किया पेस्ट किया, ये बन गया। इसके बाद में है रेड 92 पे, तो हम पहले यहाँ क्लिक करते हैं, रेड कॉपी कर लेते हैं और यहाँ क्लिक करेंगे 92, ऑलरेडी यहाँ रेड आ गया, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉपी कर लिया, ठीक है, डन। ये बन गया आपका कलर, आपको सेव करना है, आप न्यू पे क्लिक कर दो, ये ऐड हो जाएगा, हो गया ऐड। ऐसे मैंने समझाने के लिए देखो 2 और ऑलरेडी एडेड है मेरे पास, ये रहे, और एक बार मैंने एक कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन भी बनाई थी, वो ये रही, देखो ये भी सब इस रिपीट मोड में है, ये पहले मैंने ग्रे शेड दिया था, फिर ग्रे से लाइट डार्क करने के लिए उसको रेड में कन्वर्ट कर दिया, अब ये बन गया, ठीक है। अब आप बोल रहे थे कि भाई डिजाइन सर्कल वाइज कैसे करें, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, या आपने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के बाद में आपने रूलर से इसका सेंटर ले लिया, आप इसको हाइड कर दो, आपने न्यू ले ली और इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल से, ग्रेडियंट पे गए, कोनिकल ग्रेडियंट लिया, सेंटर से यहाँ ड्रॉप कर दिया, ये बन गया आपका कलर। एक बार रिपीट करना, रिपीट करूं क्या, रिपीट आपने की? फिर डुप्लीकेट लेयर लिए ना? मैंने कोई डुप्लीकेट लेयर नहीं लिया अभी, मैंने न्यू लेयर लिया ब्लैंक, फिर उसके सिलेक्शन में मैंने ये कलर डाल दिया। अच्छा, मतलब उसी जो एलिप्स वाला है आपने उसका सिलेक्शन कर लिया?
का सिलेक्शन कर लिया था, इलिप्स का कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से इस तरीके से, फिर इस लेयर क्रिएट करी, यहाँ आए, ब्लैंक थी, क्लिक करके ड्रॉ किया तो उस पे कलर आ गया। okay. इसको हमने कंट्रोल डी कर दिया। अब मैं अपन ने रूलर इसलिए लिया ना कि जिससे मिड आ जाए सही ग्रेडिएंट है। अब मैंने इसको कॉपी किया एक बार, अब कॉपी करने से मतलब इसी से मैं सारे काम करूँ। देखो क्लिक किया, क्लिक करके शिफ्ट प्रेस किया, साथ में ऑल्ट भी, जिससे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने। अब ऑल्ट से करीब यहाँ आया, मैंने ये किया, इसका भी सिलेक्शन लिया, अरे आया नहीं, ये आ गया, इसको हाइड करा, यहाँ क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया। तो अब ये वाला जो लेयर है, लेयर टू वाला जो है, इसमें से अब ये वाला पार्ट हट चुका है। ओके ठीक है, आपने आपने ऑल्ट प्रेस किया था, क्या किया था? ऑल्ट प्रेस किया था नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर आपको कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है, एक ही सेंटर वाले सर्कल या किसी हाँ। एक सर्कल को सेम सेंटर से ही छोटा करना है, हम लोग शिफ्ट से करते हैं तो क्या होता है, एक कॉर्नर में जाता है परस्पेक्टिवली, जिस कॉर्नर को आप क्लिक करते हो उसके अपोजिट वाले कॉर्नर में जाएगा डायगोनल। ठीक है, और अगर हमें अंदर का भी डिलीट करना हो तो हम इरेजर से भी कर सकते हैं। तो आप इरेजर से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लेजर में आप सेंटर कैसे पता लगाओगे सेंटर है, तो कर आप किसी भी तरीके से सकते हो। तो ऑल्ट का मतलब यह है जब भी आप साइज चेंज करोगे, शिफ्ट से प्रोपोर्शनेट होता है, ऑल्ट से सेंटर में होता है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे उसके आउटर में भी थोड़ा सा एज दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, वापस इसी लेयर को कॉपी किया और इस लेयर को सिलेक्ट किया और इस लेयर में ब्लैक कलर पुट किया और फिर इस लेयर को जो ऑलरेडी लेयर क्रिएटेड है कलर वाले उसके पीछे रखा, उसको शिफ्ट और ऑल्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा कर दिया बस। तो ये अपने को 3D वाली फीलिंग दे देगी एग्जैक्ट। ये देखो, और जैसे कि आपने एलिप्स वन बनाया था फिर उसके बाद आपने सिलेक्शन करा, तो हम डायरेक्टली भी तो कर सकते थे सिलेक्शन, जो हम जो हमारा सिलेक्शन टूल है ना सर्कल वाला, उससे भी डायरेक्टली कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, फिर आपको उसका सेंटर लेना पड़ता है ना। तो मैंने तो अपने अकॉर्डिंग इजी बताया कि सबको समझ में आ जाए। और जैसे आप मुझे बीच का भी सर्कल करना है तो फिर मैं क्या करूंगी? चलो मैंने इसको फिर से कॉपी किया, इसको नहीं, मेरे पास ऑलरेडी कॉपी रखी है ना ऊपर, ये जो रखी है ये वाली, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसमें ब्लैक कलर डाला, ठीक है, और इसको थोड़ा सा, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ी सी एज दिख रही है उसकी, थोड़ा सा बड़ा किया और इसकी भी डुप्लीकेट करी मैंने। इस डुप्लीकेट वाले फॉर्म को मैंने थोड़ा छोटा किया, करीब करीब इतना, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन लिया, इसको हाइड किया, इसके नीचे वाले लेयर पे गए और उसमें से ये पार्ट डिलीट कर दिया, ये बन गई बॉर्डर। अच्छा, मतलब मुझे, हेलो, हाँ मैडम, आप कहीं चले गए थे? नहीं, वो मैं नहीं गई थी, लाइट चला गया। ठीक है, ठीक है, हाँ तो समझ में आ गया ना अभी ये वाला। देखो रिफ्लेक्शन कैसे डालना है, जो बीच के कलर से ग्रेडियंट टाइप के, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें देखो कितना इजी मेथड है, जैसे हमने ये बनाया सर्कल, मैंने क्लिक करके सर्कल का सिलेक्शन लिया और इसी में ना करके मैं न्यू लेयर बना रहा हूँ, ठीक है। अभी ओनली ये सिलेक्टेड है, मैंने ब्रश लिया है, व्हाइट कलर लिया है और राइट क्लिक करके सॉफ्टवेयर वाली ब्रश ली है, इसको थोड़ा छोटा किया, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी, एक यहाँ ड्रॉ करी और एक यहाँ ड्रॉ करी, ठीक है। बट अभी भी ये रिफ्लेक्शन नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस ब्रश को थोड़ा और बड़ा किया, इसकी ओपेसिटी मैंने डाउन करी और ऐसे ड्रॉ कर दिया, अब वो ग्रेडियंट वाला रिफ्लेक्शन बन गया। देखो, अब मैं कंट्रोल डी करूं। मैंने इसमें भी आप एक बार वापस से बताएंगे? मैडम ब्रश चूज किया, ब्रश लिया, फुल करी, ब्रश का साइज छोटा किया, व्हाइट कलर लिया, व्हाइट कलर ड्रॉ कर दी, एक लाइन एक यहाँ और एक यहाँ लाइन ड्रॉप कर दी, ठीक है। ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा किया और सॉफ्ट एज वाली ब्रश हमने ले रखी है, ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करी, ठीक है, व्हाइट कलर ऑलरेडी है और हमने इस पे ड्रॉप कर दिया, यहाँ ड्रॉप कर दिया और यहाँ ड्रॉप कर दिया, ओके बस, ठीक है, आ गया पूरा, ठीक है, इजी है ना अब तो करना।
लग तो रहा है, करूंगी जब पता चलेगा।